परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी जमकर हमला बोला। तेलंगाना के संगारेड्डी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन इसलिए परेशान है क्योंकि केंद्र सरकार ने उनके काले कारनामों पर लगाम लगा दी है और इसलिए परिवार के बहाने उन्हें गालियां दी जा रही हैं। ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है, क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? यही नहीं, पीएम मोदी ने विपक्ष की विचारधारा पर भी सवाल उठाए। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। मोदी ने कहा कि विपक्ष के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है जबकि उनके लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि परिवार वाली पार्टियों ने देश के नौजवानों को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने दिया क्योंकि परिवारवादी दल खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए बुढ़ापे तक कुर्सी से चिपके रहते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले परिवारवादी नहीं थी लेकिन जब से परिवारवादी बनी है 50 साल से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं देते, आने देते, और किसी को बिठाना पड़े तो किसको उठाएंगे? 75 साल वाले को ले आएंगे, 80 साल वाले को ले आएंगे, 85 ईयर वाले को ला करके बिठा देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि 50-55 वाला आ गया और ओवरटेक कर गया तो परिवार का क्या होगा। पीएम मोदी ने कहा कि वो देश की राजनीति में लगातार ईमानदार युवाओं को मौका दे रहे हैं। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने देश को लूटकर अपनी तिजोरियां भरी। अब की बार। लेकिन उन्होंने अपनी महीने की सैलरी को भी जनता की सेवा में लगा दिया। ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी। मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि परिवार वाली पार्टियों ने महंगे गिफ्ट के जरिए काले धन को सफेद किया। लेकिन मोदी ने आज तक जो गिफ्ट मिलती है वो सारी गिफ्ट तोशा खाना में जमा करा देता है, उसकी नीलामी होती है और जो पैसे आते हैं वो पैसे माँ गंगा की सेवा में लगा देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से इमोशनल अपील भी की। आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सर कभी झुकने नहीं दूंगा मैं। आप मेरे परिवारजन है, आपका माथा कभी नीचे नहीं होने दूंगा। पीएम मोदी ने दावा किया कि उन्होंने गिफ्ट की नीलामी से करीब 150 करोड़ रुपए लोगों की सेवा में लगा दिए। आज प्रधानमंत्री मोदी पूरे फॉर्म में नजर आए, उन्होंने परिवारवाद पर चुन चुन कर निशाना साधा। बिना किसी का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवादियों ने काला धन जमा किया और आलीशान घर बनाए। लेकिन उन्होंने आज तक अपना एक घर तक नहीं बनवाया। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर कहा कि 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार हैं। मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी 140 करोड़ देशवासी
ये मोदी का परिवार है। इसके बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों से मैं हूं मोदी का परिवार के नारे भी लगवाए। मैं हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में करीब 7,000 करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने वहां रोड शो भी किया। इस दौरान रास्तों के दोनों तरफ सैकड़ों लोगों ने पीएम मोदी के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। रोड शो में जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। जय श्री राम। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा की। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट से इस्तीफा देने के बाद पूर्व जज अभिजीत गांगुली बीजेपी में शामिल होंगे। वो 7 मार्च को पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश डेर और विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। राहुल गांधी की गुजरात में यात्रा से पहले कल दोनों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। अभिनंदन, आपका स्वागत। कांग्रेस नेता और वाराणसी से पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए। वो 2004 से 2009 तक वाराणसी से सांसद रहे। आज रविशंकर प्रसाद ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। हिमाचल में अयोग्य घोषित किए गए 6 कांग्रेसी विधायकों ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। आज हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी चंडीगढ़ में अयोग्य विधायकों से मुलाकात की। आप इनको मनाने आ रहे हैं कि इनके साथ में?